इंडिया गठबंधन के चारों तरफ से हल्ला बोल का नारा अब शुरू हो चुका है और आज विरोध प्रदर्शन में चारों तरफ से कांग्रेसी उतर चुकी है। यहां तक इंडिया गठबंधन की माने तो पूरे के पूरे चारों तरफ से साजिश किया जा रहा है और मोदी की हार निश्चित है बताई जा रही है। बता दें कि आगामी चुनाव से पहले ईवीएम पर जिस तरीके से आरोप लगा था वो आज भी है और आज जिस तरीके से धांधली और सदन से जिस तरीके से 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया उस पे हल्ला बोल के चारों तरफ से नारे दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि नरेंद्र मोदी पर पूरा साजिश बनाया जा रहा है और नरेंद्र मोदी को यहां से हटाने की मांग चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हंगामा बोल और हल्ला बोल का आज शोर शराबा चारों तरफ से दिखाई दे रहा है वो अहम भूमिका निभाई जा रही है ऐसा कांग्रेसी का दावा है। यहां तक कि बताया जा रहा है कि आज हल्ला बोल के नारे चारों तरफ से दिखाई दे रहे हैं तो वो सिर्फ कांग्रेस के एकजुट होने का दिखाई दे रहे हैं और यही मोदी की निश्चित हार होगी। जिस तरीके से चारों तरफ से बीजेपी अपना रुतबा करके और भंडा नहीं फोड़ करके ईवीएम धांधली करके चुनाव जीतती है उसी के तौर पे यहाँ पूरे देश में हल्ला बोल का नारा दिखेगा और आज जिस तरीके से शोर शराबा या हल्ला बोल 41 सांसदों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो सभी 141 सांसद मिल करके यहाँ पे नारे और शोर शराबा और हल्ला बोल जैसा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और वो बीजेपी के खिलाफ देखने को मिल रहा है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।